चली जाए, दो रोज से मेरे घर कोई मेहमान नहीं आया। बहुत ज़बरदस्त शेर है, राहत अज़ीज़ के, किस करिंदोरी का या किसी का। अल्लाह रे मेरे घर की दो रोज़ से कोई मेहमान नहीं आया। थोड़ा नज़दीक आओ, बस दो रोज़ से कोई मेहमान नहीं आया, यानी कि आज के ज़माने में हम मेहमान नवाज नहीं हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है मेहमान नवाज बनो। बस साकिब मेहदी अली, सब कुछ है मेहमान नवाज नहीं है। ज़रा सी कोई आफत हम पर आ गई, कारोबार बंद है तो हम देखते हैं मामू का घर, देखते हैं मुमानी का घर, देखते हैं चचा का घर, देखते हैं या फिर किसी रिश्तेदार का घर, क्या हम उनके मेहमान जाएंगे बनके? क्यों हम खुद मेहमान नवाज क्यों नहीं बनते? आज की ज़िंदगी में बरकत और सुकून इसीलिए नहीं है, एक सोशल इस्लामी माशरा इसीलिए नहीं है कि हम मेहमान नवाज नहीं है। फॉर्मेलिटी के तौर पे गेस्ट आते हैं और चले जाते हैं, तो बोले गेस्ट आ रहे, बोले बहुत दूर से, कहाँ से, अमेरिका से, कुछ दिन और रह के चले जा रहे। बोले फला साहब के आ रहे, वो खालिद भाई के दोस्त आ रहे, बोले साकिब भाई वो आ रहे, बोले लंदन से, वो तीन दिन रहेंगे चले जाएंगे। तो गेस्ट का मतलब क्या होता है, मेहमान क्या होता है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है, मेहमान अपने साथ अल्लाह का रिस्क लेके आता है और जब जाता है तो अल्लाह की खैर बरकत देता है। जी, और ये सही कौल है, मेहमान अपने साथ अल्लाह का रिस्क लेकर आता है। लेकिन आजकल हम मेहमानों की इज्जत करते ही नहीं। मैं क्या, दुनिया के सारे लोग भी मेहमानों की इज्जत नहीं करते। आज की मगरिब परस्ती का जो निज़ाम बना है उसमें थोड़ा सा स्माइल दीजिए आप और 500 की टी शर्ट को 1000 में बेचिए, लेकिन अपने मतलब के लिए स्माइल देते हुए अच्छी चीज़ें बेचिए शॉपिंग मॉल में, कहीं पर भी। लेकिन जब घर पे कोई मेहमान आया, मुस्कुराते हुए उसको एक्सक्यूज़ पेश करते रहिए, ये एक्सक्यूज़, वो एक्सक्यूज़, ये एक्सक्यूज़, माफ़ कीजिए ये काम है हमको, वो काम है, घर छोटा है, ये नहीं है, वो नहीं है, इसकी बीवी काम नहीं करती, उसका भाई काम नहीं करता। तो इस बात को मद्देनज़र रखिए कि एक्सक्यूज़ की ज़िंदगी को निकालिए और मेहमान नवाज बनाइए, इससे दिल बड़ा होता है और आप खुश रहते हैं। फिलोसोफर हैप्पीनेस के तहत खुशी का सबसे बड़ा ज़रिया ये भी है, जिसका दिल बड़ा होता है ना, जिसका दिल बड़ा होता है उसके काम आसान होते हैं। और दिल को बड़ा करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए, तंग रखने के लिए नहीं, ब्रॉड करने के लिए मेहमान नवाज बनना ज़रूरी है। जी, अब सुनते हैं बारह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन यानी साथ में रहने वाले कंपेनियन, साथी, साथ में रहने वाले सहाबी, दोस्त, कंपेनियन, फ्रेंड्स, जब उनके वहाँ मेहमान आता था तो वो लाइट बंद कर देते थे ताकि उसको खाना मिल जाए और वो भूखे रह जाए। कई ऐसे अंसारी सहाबियों का भी जिक्र है और कहीं ऐसे मक्के के सहाबा का भी जिक्र। उनकी डिग्निटी थी, उनका बड़प्पन था, डिग्निटी उनका बड़प्पन उनका वजूद था। तो मैंने आज के ज़माने में ये बात कम देखा हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेहमान के लिए कर्ज लेकर खर्चा करना भी सुन्नत है, ध्यान में रखिए। आज हम कहते हैं आगे बोले जो है वो खिला दो, ये कर दो कर दो, नहीं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी मेहमान आए तो उसके लिए ज़्यादा खर्च करना फजूल खर्ची नहीं है। जी, मेहमान आए तो उसके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये नहीं पानी पी ले खड़े खड़े, ये कर ले वो कर ले, चले जाओ। जी, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हा की, हज़रत अली की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है आज के ज़माने में, जो सखावत भी करता हो और मेहमान नवाजी भी करता हो? और मेहमान नवाजी का ताल्लुक इंसान की दिल और अक़ल से भी और फैमिली के तरीक़ों से भी। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के लिए जीना। तो वो कहते थे कि भाई दो रोज़ से हमारे घर पे मेहमान नहीं आया, घर की बरकत चली जा रही है। बाज़े घर तो मुसलमानों के ऐसे अच्छे मेहमानों के लिए स्पेशल कमरा होता है, खाने पीने होते, उठना बैठना होता है, तो बेहतरीन लोग हैं। याद रखिए मेहमान नवाजी कोई मामूली सिफत नहीं है, जन्नत में ले जाने की आदत है वो। जी, जन्नत की आदतों में से एक आदत है मेहमान नवाजी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जांचना चाहा तो दो फरिश्तों को इंसान की शक्ल में लाया, फिर वो बोले हम मेहमान आए आपसे मिलने के लिए आए, तो उन्हें घर लेकर गए, बकरा ज़बह किए और वो खिलाए, लेकिन वो खा नहीं रहे थे,
वो आजमाइश थी उनकी, मेहमानों का इकराम, मेहमानों की अजमत। ये नहीं कि भाई हम अपनी आज की हम जो गैर मुस्लिम तहजीबों से कुछ ऐसे गंदे अल्फाज और गंदी तहजीबें ले रहे हैं, अपने क्या करना पड़ता, अपन अपना अपना देखो क्या कड़की शुरू है पहले ही, ऐसा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रिस्क दिया, आपका रिस्क कोई और भी खा रहा है, ये अल्लाह का एहसान है आप पर और ये अल्लाह की करम फरमाई है। मेहमान आया उसके लिए टॉयलेट खोल दिए, बाथरूम खोल दिए, मेहमान आया उसके लिए कमरा सजा दिए, ये सब सुन्नतों के तरीके। जी मेरे आका जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उमर फारूक आज़म की सुन्नत है, उस्मान और अली के तरीके हैं, सहाबा और अलियाओं ने इसको अपनाया है। इस बात को भी मलूज ख्याल रखा जाए, इस बात को मलूज ख्याल रखा जाए कि हम सहाबा के तरीके पे हैं या नहीं, मेहमान नवाज हैं या नहीं है, या अपनी मस्ती में खुद मालदार बन के बैंक बैलेंस करते चले जा रहे हैं, खुद खा रहे, खुद गुलछर्रे उड़ा रहे और खुद ही ख़त्म हो जा रहे हैं। सहाबा मौके पैदा करते थे मेहमान नवाजी के, उनकी कुर्बानियाँ थी, ऐसे बेहतरीन बेस्ट मेहमान नवाज गेस्ट को संभालने वाले बने कि आजकल के होटल वाले के आसमान से उनके लिए अल्लाह का सलाम आया, कुरान में खुद सलाम आया। जी मेहमान नवाजी करने से कुरान में ऐसे सहाबाओं के नाम आए। हज़रत अली के एक वाक़े की तरफ इशारा है जिसमें फ़ातिमा रज़ियल्लाहु के ताल्लुक़ से, हज़रत अली के ताल्लुक़ से आता है कि सही दिख रहा ना, ये तो कैसे पकड़ेगा, तो इधर पकड़ लिया ऐसा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु के ताल्लुक़ से आता है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु के यहाँ पे मेहमान आए तो उन्होंने अपने हिस्से का खाना उनको दिए बहुत अच्छा, तो उनके वास्ते कुरान में आयत उतरी कि क़यामत के दिन पे और अल्लाह के दिन पे यकीन वो लोग रखते हैं कि जो मेहमान की खिदमत करते हैं। जी क़यामत के दिन पे यकीन रखने वाले, अल्लाह से डरने वाले वो लोग होते हैं जो मेहमान की इज्जत करते हैं। मेहमान आया भाई, उसके लिए दस्तरखान तैयार, खाना तैयार है, कुछ आज अच्छे से अच्छा कभी खर्च करके निकालते नहीं, हम 100 रुपये रोज़ाना दालों पकाते, मछली ले आए उसके लिए, गोश्त ले आए, मेरे अपने घर के ताल्लुक से नहीं करा, या मेरे वालिद के तरीक़ों में से, या मेरे ख़ानदान वालों के तरीके से नहीं, हर इंसान का ये फ़र्ज़ है, चाहे वो रियाद में काम करने वाला वारिस पठान हो या फिर वो अदनान सोडान की हो, हर किसी का ये काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का तरीका है। तो एक बेहतरीन मेहमान नवाज बनिए, देखो आपका दिल कितना खुश होता है, इससे आपकी पहचान बनेंगे समाज माशरे में, दुनियावी फ़ायदे भी हैं इसमें, लेकिन दुनियावी फ़ायदों से ज़्यादा असल बात यह है कि मेहमान नवाजी करना, ये रिसालत है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो अपने दिल को आपसे खोलिए और मेहमान अगर आए तो उसका इकराम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इकराम कीजिए, उसके लिए ज़्यादा दीजिए लीजिए, ये अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नत है। कोई नबी और कोई आलिम, कोई नबी और कोई इंसान ऐसा नहीं गुज़रा, और कोई सहाबी ऐसे नहीं गुज़रे जो कि मेहमान नवाज ना बने। बस मेरा इतना ही कहना है फिलोसफर हैप्पीनेस के तहत इस एपिसोड में कि अपने अंदर की कंजूसी को निकाल कर देखो, अपने अंदर की वकीली को निकालो। गैर मुस्लिम कौमों ने जो हमें कुटराया कि भाई इससे इतना खर्चा हो जाएगा, अपना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन सब बातों से गुरेज करते हुए अपनी मतलब परस्ती की ज़िंदगी को छोड़ते हुए मेहमान नवाज बनो। आपके बैंक बैलेंस में कितना भी रखा जाए, अरे अगले दिन अगर आप बाइक से, मेरा नाम आसिफ इकबाल है, मैं जा रहा हूँ बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कहाँ रखेंगे आप? मेरा नाम हाशिम है, बोले कार चलाते रात दिन ड्राइविंग, कहाँ रखेंगे आप? मेहमान नवाज बनिए। अब देखिए इतनी बड़ी आफतें पड़ी, इसमें सलमान खान ने पूरा का पूरा लूटा, कमाने को बहुत था। मेहमान नवाज इकराम कीजिए मेहमानों का, आज के ज़माने में ये तरीके नहीं हैं, इसीलिए मैंने इस बात पे स्ट्रेस दिया। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई रखता हूँ, वस्सलाम।
कितने मिनट हो गए बेटा? बाबर बहुत बना तो 11 मिनट क्यों ना लिया?